बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामयाना। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सदर मुमलकत को कौमी असम्बली की तहलील के लिए खत अरसाल कर दिया है। इक्तदार निगरानों के सुपुर्द कर देंगे। निगरान हुकूमत के लिए 2-3 दिन में मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। नवाज शरीफ से भी बात हो रही है, कोशिश है ऐसा फैसला करें जो सब के लिए काबिल कबूल हो। शमसी तवानाई घरों, संतों और दुकानों समेत हर शोबा के लिए ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुनाकदा सोलर ट्यूब वेल से मुतालिक तकरीब में खिताब में किया। इस सवाल पर कि क्या आप चाहेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म नून लीग से हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे चाहने ना चाहने की बात नहीं है, ये एक इज्तमाई फैसला होगा इत्तेहादी पार्टी के लीडर्स का और इस पर नवाज शरीफ से भी मुशावरत होगी। ये इज्तमाई मुशावरत होगी, इसके नतीजे में जो नाम आएंगे मैंने डेट लेकर लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करूँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए अभी तक कोई नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। हमारी कोशिश है कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। इस सवाल पर कि हफीज़ शेख का नाम भी लिया जा रहा है, वज़ीर आज़म ने कहा कि अभी कोई नाम फाइनल नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अपने आइनी फ़राइज़ की तकमील की है। नई मरदमशुमारी को टेकअप और डिस्कस करने का फैसला CCI के पास है। 2023 की मरदमशुमारी को CCI में लेकर जाना आइनी ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरदमशुमारी को CCI में मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके इदारे की है। सब चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो। उनका कहना था कि इलेक्शन में ताखीर का सबब ऐसा बनता है जो नागुज़ीर है, तो हम देखेंगे हम अभी क्यों फ़र्ज कर लें कि इलेक्शन में ताखीर होगी। नाज़रीन, पर बात करने के लिए आज मेरे मेहमान हैं महमूना हुसैन, तजज़ियाकार हैं, मुनीर भट्टी माहिर कानून और तजज़ियाकार हैं, चौधरी इब्रार माहिर कानून और तजज़ियाकार हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहले महमूना, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपने इस पर कॉलम भी लिखे हैं और बड़ी गहरी निगाह रखती हैं आप पाकिस्तानी सियासत पर। ये आज अभी चंद घंटे रह गए हैं इस हकूमत के, गो इसको 13 अगस्त तक ले जाया जा सकता था क्योंकि मुद्दत 12 और 13 अगस्त को मुकम्मल होनी है, लेकिन चूंकि ये 60 दिन की बजाय 70 दिन में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आज की तारीख दी हुई है कि 9 और 10 अगस्त की शाम रात 12 बजे इस असम्बली को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये असम्बली खुद ब खुद मुद्दत पूरी करके ख़त्म नहीं हो रही बल्कि इसे ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी तक जो है सवाल ये है कि अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब क्यों नहीं हुआ? और दूसरा सवाल है, वो मैं तीनों पैनल लिस्ट पे ही जाएगा, कि हफीज़ शेख का नाम बहुत दिया जा रहा है। अब ये हफीज़ शेख वही हैं जो पीपल्स पार्टी में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ में भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, लेकिन इनका जो कारनामे हैं वो सब के सामने हैं। कोई एज इट इज़ उन्होंने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि इनको एक बड़ा ओहदा दे दिया जाए। बहरहाल ये फैसले कहाँ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, आप इसको महमूना कैसे देखती हैं? जी, सबसे पहले रिजवान आपका बहुत शुक्रिया आपकी प्रोग्राम की वसादत से। आज मैं बहुत अहम इशू के ऊपर बात करने जा रही हूँ। मैं ये सवाल निहायत अहम है जो आपने जिक्र खैर किया हफीज शेख का। पहली बात, उनके शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये थोड़ा सा मैं कहूँ कि इनके टैग और डेजिग्नेशन बदलते रहेंगे, चेहरे वही है और पार्टियां बदलती रहती हैं, टैग बदलते रहते हैं, बस ये फर्क है और चेहरे वही हैं। ये लोग जहां पे देखते हैं कि हमें थोड़ा सा फायदा है, ये अपने मफादात को पहले और बाकी मामलात को बैकएंड पे रखते हैं। आज जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये 70 डेज में, ये रिजवान 90 डेज में भी इलेक्शन नहीं होंगे, हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस कर लिया है कि इलेक्शन जो है वो कम से कम इस साल होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक डेढ़ साल तक तो मैं समझती हूँ इलेक्शन होंगे ही नहीं। उसकी रीजंस बहुत अहम, मैं आपको बताती चलूं कि एक तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो एक
पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को पीपीपी ने और पीएमएलएन ने एडजस्ट किया, इसकी बहुत अहम और खासो खास वजूहात जो है वो दो लफाजी बयान करूं तो वो इस तरह से है कि इनकी जो सिचुएशन करंट है पब्लिक में और जिस तरह महंगाई का जो तूफान है, इनका एक टारगेट सेट है, ये अपनी पिच तैयार कर रहे हैं इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को केयर टेकर गवर्नमेंट को सौंपते हुए, और वो उसमें होना कुछ यूं है कि इन्होंने अपने अपने इलाके कुछ क्लियर करने हैं, कुछ बार्गेनिंग करनी है, कुछ मफादात की डीलिंग होनी है जो कि सिचुएशन में देख रही हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट में। सेकेंडली ये जो बार बार बात कही जाती है ये कहीं नहीं जा रही, ये माइंडसेट तैयार किया जा रहा है कि हमें जो इलेक्शन है वो हम बगैर मर्दमशुमारी के नहीं करेंगे, यानी बगैर मर्दमशुमारी, ये मर्दमशुमारी का जो सेटअप है इसकी वजह ये है कि इसमें डिले होने के चांसेस जो हैं उनको ये लोग मीट करते हुए, अगर ये मैं मसाल देती हूँ कि 90 डेज में इलेक्शन करवा देते हैं तो ये कभी भी कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे, करंट सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह आवाम का जो इस वक्त पुरसाने हाल है और जो महंगाई आसमानों को छू रही है और दो वक्त की रोटी को आवाम तरस रही है, ये कभी भी इलेक्शन में क्लियर नहीं कर सकते। और सबसे अहम सिम्टम जो मैं बताती चलूं कि ये जेस्चर्स होते हैं किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी का, जब आप बाय इलेक्शन में कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। आपने पीएमएलएन की सिचुएशन को ये भी देख लिया, यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त इनका ग्राफ जीरो है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले जो है आइंदा आने वाले वक्तों में खुद को और अपनी पिच को बेहतर करने के लिए ये तैयार कर रही हैं जी। तो पिच मेमूना कैसे बेहतर होगी, महंगाई आज अपने अरूज पे है, 2023 में जितनी महंगाई हो चुकी है, आवाम का जो तेल इस वक्त निकल चुका है, इसके अगर ये दो साल बाद भी इलेक्शन करवाएं तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इनको वोट मिल सकता है? रिजवान मैं वही बात कर रही हूँ कि इन्होंने सारे का सारा मलबा, जैसा कि इनका 75 सालों का गन, पहले पीटीआई आई तो उन्होंने पिछली गवर्नमेंट को कहा कि दो जमाते जो है वो डाकू थे, वो चोर थे, करप्शन थे, मजा तो तब था ना रिजवान के इनसे कुछ ले के हुकूमती खजाने में जमा होता है, बार्गेनिंग चलती है, मफादात होते हैं, केस की फाइलें दब जाती हैं, केस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, क्लियरेंस लेटर मिल जाते हैं, भाई कोई इनके ऊपर करप्शन जाहिर नहीं हुई। वो तो मिल चुकी है, वो तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को और इत्तेहादी जमात में जिन जितने लोगों पर भी मुकदमात थे वो मुकदमात तो खत्म हो गए ना, वो क्लीन चिट तो इनको मेमूना मिल गई है। ये हर दौर में ऐसा होता रहा है और शायद आइंदा भी ऐसा होता रहेगा, लेकिन आवाम अब वो 1999 वाली या 1993 वाली नमूना नहीं है। अब आवाम ये बात समझ गई है, जितना मर्जी नई आने वाली हुकूमत अपनी पिछली हुकूमत पर ब्लेम गेम जो है वो करती रहे, नून लीग पीपल्स पार्टी पे करती थी, पीपल्स पार्टी पर से इकतदार आती थी तो वो नून लीग पे ब्लेम गेम करती थी। बट्टी साहब आप इस सुनहरी जगह देखिए कि क्या अब आवाम को आप एक झूठे इल्जाम लगाकर अपनी से पिछली हुकूमत को आवाम का जो गमो गुस्सा है आवाम में वो काम नहीं किया जा सकता, जो महंगाई की वजह से आवाम पिस रही है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। बहरहाल भट्टी साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप पहले तो ये बताइए कि अभी तक पॉइंट प्लीज ऐड कर लेने थे वो रह जाएगा, फिर प्लीज माजरत के साथ जी कीजिए, एक पॉइंट प्लीज ऐड कर जी कीजिए। आज चूंकि कौम असेंबली का आखिरी दिन है, आपको पता है कि कौम का बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, आवाम को ये लोग सादगी का दर्श देते हैं और खुद आवाम के पैसों से ये अयाशियां उड़ाते हैं। आज जो लेविश किस्म का डिनर इन्होंने एहतमाम किया है जिसमें ऐसी बेशुमार डिशेज, जिसमें मैं चंद एक के नाम लूंगी, जैसे मटन कुन्ना चाप, तुर्कश रेशमी कबाब, लुबनानी बोनलेस बॉडी, चिकन बोनलेस हांडी, ये मटन पुलाव, भिंडी मसाला, मुख्तलिफ किस्म के सैलेड, मुख्तलिफ किस्म के नान, ये जो बोटियां खा रहे हैं ना, ये बोटियां जानवरों की नहीं खा रहे, ये अपनी आवाम की खा रहे हैं। और आवाम तो रोटी हमारी बहस है कि ये जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज अपनी जात पे ये खर्च करते हैं। पंजाब के निगरान वजीर आला जो है वो नई नई गाड़ियां दे जा रही हैं, मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, मुल्क को कर्ज नहीं मिल रहा, मुल्क के पास कुछ है नहीं, और ये लैविश किसी खानों के इन्होंने जो इंतजाम किए हैं, वैसे खुद ही इन हुक्मरानों को देख ये चीज सोच लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत नहीं है। 93 रुकनी काबीना से आपने
16 महीनों में मुल्क को कंगाल करके रख दिया है। बहरहाल भट्टी साहब आप बताइए जरा, एक तो अभी तक पिछले एक डेढ़ महीने से निगरान वजीर आजम का रोला पड़ा हुआ है और आज 8:30 इस वक्त मुझे सामने से टाइम नजर आ रहा है, 8:30 इस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हो चुका है, 12 बजे ये असेंबली खत्म हो जानी, सदर पाकिस्तान को खत भी लिख दिया गया है, अभी तक नाम जो है वो फाइनल क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना बंदा लाना चाह रही है और नवाज शरीफ साहब इस बात पर बजिद है कि मेरी पसंद का बंदा आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट को और कामयाना साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आपने फरमाया कि निगरान वजीर आजम के लिए नाम तो फाइनल इनका हो चुका है, लेकिन ये रखना चाहते हैं उसमें तजब्जब में कौम को कि कब और क्या। तो नाम तो ये कामयाना साहब हो नहीं सकता कि फाइनल ना हो, जब नाम हो गया जैसे अब अपना जलानी साहब का नाम आ गया है। तो अभी भी फेवरेट है, लेकिन होता कुछ और है। अच्छा, मुझे जो वो नजर नहीं आता थे वे आधार है, कोई और ही होगा मेरा ख्याल कहता है। फिलहाल खबरों में तो यही चीज चल रही है कि जी उनका नाम आ गया। तो ये पाकिस्तान में अचानक ही कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, तो अभी आज रात आज चाहिए था कि इन्हें ये फाइनल कर लेते, क्योंकि आज समरी चली गई है सदर पाकिस्तान, अनाउंस कर देते हाँ। यही बात है ना, अनाउंस कर देते तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अभी जिन्होंने फाइनल अप्रूवल देनी है वो फाइनल अप्रूवल देंगे तो कुछ होगा ना। अच्छा, ये सियासी लोगों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन ना जी राजा रियाज साहब देंगे जी, मशरत देंगे, कानून में लिखा हुआ जो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, वो जो राजा रियाज साहब पर ब्रेक के बाद बात करेंगे जी। जी 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 जी, तो इस तरह ये जहाँ पे फैसले होते हैं ये हमारे सियासी रहनुमा जो हैं ये इनके हाथ में भी कुछ नहीं है, ये बात की बात है। ठीक है, तो ये बाकी जैसे मेरी मोहतरमा मेमुना साहबा फरमा रही थी कि आज लेविश किस किस्म का खाना दिया गया और ये वो भेद उन्हें उन्हें इस महंगाई से, जिस तरह हम महंगाई में पिस रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है और हमें तरह तरह के मसाइल हैं, चीनी है, टैक्सेस हैं और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ गैस है, तेल है, अद्वियात महंगी हो गई हैं और चीनी महंगी हो गई है, बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो इन्हें सियासी लोगों को इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेमुना साहबा ने फरमाया कि आज जे वो उनकी गोश्त की बोटियां नहीं आवाम की बोटियां खा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं भी यही कहूंगा कि इनकी गाड़ियों में तेल नहीं जलता बल्कि गरीब आदमी का खून जलता है। हमारे मुल्क में कोई मसाइल नहीं है। अगर मसाइल सिर्फ ये है कि ये अशराफिया और ये सियासी लोग जो है या जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी मुराद कम कर दी जाए तो कर्जा हमारे मुल्क पे इतना नहीं है। हमारे साथी एंकर जो है डॉक्टर शाहिद मसूद, वो इनको अशराफिया को कहते हैं, ये अशराफिया नहीं है, ये बदमाशी है। ये बकौल है, लेकिन हमारे साथी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। तो ये लोग जो है ना ये इस तरह करते हैं। देखें आप आम आदमी का बजट देखें और ये MP MLA का देखें, ये इनमें किसी में ये गैरत नहीं आई। हर बंदा कहता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, चेयरमैन सैनल साहब ने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, सारे काम कर दो। इन्हें गरीब की तनख्वाह का नहीं पता, इतने बड़े बड़े काम करते हैं, कोई बंदा जनाबली ये कहने के लिए नहीं है। इतने बड़े बड़े जराइम करते हैं और पकड़े नहीं जाते, पकड़ा जाता है। वो रेडी बांध जो फैसल मस्जिद पार्किंग में उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसके लिए उसने वहां पे रेडी लगा ली और इंतजामिया ने उसे पकड़ के। तो भट्टी साहब आप भी तो देखे ना, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने कुल्फियां वो बेच रहा है, ये कोई अच्छा काम है? आप भी तो इस चीज को सोचे ना। नहीं तो वो मरता क्या ना करता सर, ये मुझे बताएं गरीब आदमी किधर जाए। सर यही तो हम बात करते हैं, वो कुल्फी बेचने वाले ने जुर्म कर दिया और यहाँ पे पूरा मुल्क बेच के खा गए, ये जुर्म नहीं है? पूरा मुल्क बेच के खा गया, लूट के खा गया। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो गरीब आदमी को जिसके छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें इन्होंने मतलब बेच दिया, और वो जज साहब जिन्होंने उसे मतलब जेल किया, उसे सोचना चाहिए था कि ये गरीब आदमी है, इसने कौन सा ऐसा जुर्म कर। भट्टी साहब आप तो रोजाना अदालतों में इस तरह के मुकदमा देखते हैं, भट्टी साहब आप और चौधरी इब्रार साहब दोनों माहिर कानून हैं, आप तो मेरा ख्याल में रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के मुकदमा में देखते हैं, कभी किसी अमीर को सजा होते हुए आपने अपने करियर में देखी है?
वो जी निकल नहीं जाते हैं। देखी, बिल्कुल नहीं देखी आज कामयाना साहब। आज आज मैं आपको वाकया बताता हूँ, मॉडल टाउन कचहरी में जी लाहौर का वाकया है। जी जी तो एक एक हमारे वकला हजरात एक एक केस पे पेश होते हैं और वो कहते हैं कि डिस्चार्ज कर दो, जज साहब ने डिस्चार्ज नहीं किया हाँ। तो उन्होंने उन्होंने अदालत को ताला लगा दिया। सारा दिन लोग जलील होते रहे जो ड्यूटी जज थे, सारा दिन मतलब जलील होते रहे अवाम, लेकिन किसी का कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ सदर साहब ने जो कहा उस पे उन्होंने जनाब अली ताला लगा दिया। उन्होंने कहा अगर आपने डिस्चार्ज नहीं करना तो हम ताला लगा तो देते पर हैं। फिर बताएं किस किस की बात आप तो करो? फिर बताइए ये मुल्क का किस जो है वो किस बेड़ा गर्क हाँ ऐसे हाँ तो नहीं हुआ ना भट्टी साहब? ये बहुत से अवामिल मिले हैं तब जाके ये सूरत हाल हुई है। चौधरी अबरार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, काफी देर हो गई है। चौधरी साहब आप बताइएगा कि वजीर आजम साहब अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत होगी, क्योंकि ये एक इजतमाई मुशावरत है जिसके नतीजे में जो नाम भी मैंडेट के जरिए सामने आएंगे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, उस हवाले से मैं बात करूंगा। पहले तो ये बताइए, मैंने ये भट्टी साहब से भी यही सवाल किया, मैमूना से भी, कि इतनी ताखीर जो है आकर क्यों हुई? भट्टी साहब ने भी उसका जवाब मुझे दिया, मुनासिब जवाब है। मैमूना साहबा ने भी जवाब दिया, बहुत ही मुनासिब जवाब है। आपकी भी राय जानना चाह रहा हूं कि आखिर इतनी देर किस बात की, और क्या नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में अभी भी कोई दूरियां हैं जिसकी वजह से नाम फाइनल होने में देर हो रही है? थैंक यू, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का मशहूर हूँ, भट्टी साहब ने भी राय दी है। गुजारिश है आप क्या कहते हैं, पहले एक मुहावरा होता था अली बाबा 40 चोर जी, मौजूदा सिनेरियो में आप इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें, अली बाबे सैकड़ों चोर। जी ऐसे ही है, आपने मुहावरा वक्त की मुनासिबत से ठीक कर दिया, मेरे ख्याल में ये गलत हो गया था, ठीक हो गया। अली बाबा सुन लेना, एक अली बाबा दूसरे अली बाबे को नामजद करेगा जी। अब ये नहीं है कि आप द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, द मोस्ट पेट्रियोटिक पर्सन को लाना चाहते हैं, ये झगड़ा नहीं है तखीर का। अच्छा, झगड़ा ये है कि कौन सा अली बाबा बाकी अली बाबों को बचाएगा ओके, और उनके पीछे जो प्यादे चोर है सैकड़ों उनको हाँ? ये झगड़ा है अच्छा। और कुछ नहीं है, और आईनी रुकावट भी नहीं है। आगे चले, ठीक है, मुझे सिर्फ दो लाइनों में समझा दीजिए और आपको कहानी की समझ आ जाएगी। जब से ये रजीम चेंज हुआ है, सियासत पार्टी को छोड़ दें, क्या कानून साजी नैब की जो हुई है, जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने का, उसकी जो नैब कानून साजी हुई है वो दो खानदानों को बचाने के अलावा भी हुई है। नहीं, आगे चलें, ठीक है, क्या 50 करोड़ रुपए की करप्शन का आपने एक सर्टिफिकेट इदारों से लेकर जो पीछे सैकड़ों चोर लगे हुए उनको दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब डॉलर 178 से 280-90 तक पहुंच गया। सर आप मुझे 280 का लेके दे सकते हैं चोरी साहब? जी सर, 280 रुपए का डॉलर मुझे आप खरीद के लेके दे सकते हैं? मुझे तो नहीं मिल रहा इतने में, मार्केट से जब हम लेने जाते हैं मुझे नहीं मिलेगा 280 रुपए में। महंगाई 12 से 38% हो गई हाँ। शरा नमूद जो तरक्की की पूरी दुनिया में एक इंडेक्स होता अच्छा, है। अच्छा अबरार साहब, अगर जो हमारी आम आवाम है उसको ये परसेंटेज की समझ नहीं आती, वो तो ये कहती है कि एक मेडिसन जो है वो शरबतूत से आया है, मिसाल के तौर पर ये 1.5 साल पहले 65 रुपए का था, आज इसकी कीमत जो है वो 150 रुपए हो गई है। अवाम ये कहती है कि कीमतें डबल से ज्यादा हो गई हैं, तो ये परसेंटेज में अगर हिसाब लगे तो 100% से ऊपर नहीं जा रहा। एक चीज अरे सुनिए ना, एक चीज 65 रुपए की थी, ऐसे मिसाल दे देता हूँ जी, मिसाल दे ऐसे। हाँ मिसाल है, एक फिलोसफर का कॉल था कि वो दिन मौत का दिन होता है जब एक ताजर और उनका चौकीदार किसी कौम का उसके ऊपर हुक्मरान होता है। अब किताबें तो नहीं पढ़ेंगे ना हम मुख्तसर वक्त में यहाँ पे प्रोग्राम में, ऐसे ही है। और क्या हमें और कौम को जो मुआशी मौत है वो किस तरह से आ रही है बता दें? अगली बात के सबसे बड़ा जो मुझे नजर आ रहा है कि
आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया के दौर में अपोजिशन की या लेफ्ट की कोई आवाज ही नहीं है, और ये कौन कर रहा है? वो भी एस्टेब्लिशमेंट जिसका रोना रोया जा रहा है। अब आ गई बात कि ये जो इलेक्ट आपने फरमाया कि ताखीर हुई है, भाई ताखीर कोई नहीं हुई, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक अली बाबा दूसरे अली बाबे और जो सैकड़ों चोर हैं अपनी और उनकी चोरियां आइंदा नगरान पीरियड में कैसे बचाएगा, ठीक है, एक बात। और जो अपनी चोरियां प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी की गई है इसको कैसे प्रोटेक्ट करेगा, झगड़ा इतना सा है। चले, एक अली बाबा तो जो वो दूसरी अली बाबों को बचाने की तलाश जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त होगा एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, हमारे साथ रहिए। केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 3 साल की सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम की 5 साल के लिए नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि उन्हें NA 45 कुरम की नशिस्त से डी सीट भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की जानिब से 5 अगस्त 2023 को सुनाए गए फैसले के पेश नजर इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया जा रहा है। इलामिया में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल हो गए हैं, इसीलिए उन्हें 5 साल के लिए नाअहल किया जाता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में 3 साल सजा और 1,00,000 रुपए जुर्माना हुआ, लिहाजा चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइन के आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 167 के तहत करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा और 1,00,000 रुपए जुर्माना हुआ। चौधरी साहब, आपकी जानब आऊंगा, आप बताइएगा ये जो इमरान खान को माहिर कानून है आप, फौरी जो है वो सजा दे दी गई, आर्टिकल 63(1)(h) लगा दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे फौरन एक्शन लिया और 5 साल के लिए उनको नाअहल भी कर दिया गया, क्या कहते हैं आप? सर, ये वैसे ही है जैसे सजा के ऊपर गिरफ्तारी हुई थी जी, कि 1,000 की स्पीड के ऊपर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना शुरू हो गया है जी, अल्लाह करे आम लोगों को भी ऐसा मिल जाए। मैं यही गुजारिश कर, मेरी अगली बात यही है जी के अब उम्मीद की जाती है कि जो हमारे इंसाफ का मायार है इंटरनेशनल जस्टिस इंडेक्स जो है वहां से भी हम 128वें और 40वें नंबर से क्विकली एक नंबर पर आ जाएंगे। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात है, दूसरी बात है, ब्रेकिंग न्यूज आई है ये चौधरी अबरार साहब की तरफ से। हाँ जी, ये ब्रेकिंग न्यूज ही होगी जी हमारी जिंदगी में जो नहीं ब्रेक हो सकेगी। भट्टी साहब, मेरे भी 2 मुकदमात है, एक 2014 और 2016, मेरे मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े गए। 2014 पुलिस पता मुझे क्या कहती है, वो कहती है जी मुकदमा बहुत पुराना हो गया, आप कैसे पहचाने उनको, आपके मुलजमों को। चलो जी, जी सर, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, इससे बड़ा खलवाड़ हमारा जो इदारा कभी कभार कोई हिम्मत कर लेता था अदलिया का और नहीं हो सकता। अब जो लास्ट रे ऑफ होप था वो भी खत्म हो गया कि चैम्बर के पीछे बैठ के बंदूक तान के फैसले किए जाते हैं और वो फैसला करने के बाद जो झंडे वाली गाड़ियां हैं, रेड झंडे वाली गाड़ियां उठा के फैसला इंप्लीमेंट करवाती हैं। यही कुछ हो रहा है।
अब इसको आप तबसरा क्या कहेंगे हम? ठीक है, एक चीज वाजे तौर पे नजर आ रही है कि एक फैसला जो लिखा भी आधे घंटे में गया 30 पेज का है, करेक्शन भी हो गई, हम भी 20 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और वो इंप्लीमेंट एक सेकंड में हो जाता है। सर 15 मिनट अब क्या फैसला सुनाया जाता है और 15 मिनट में चेयरमैन तरीके इंसाफ अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है बट्टी साहब, आप भी माहिरे कानून है, इब्रार साहब भी माहिरे कानून है, इतना फास्ट इंसाफ आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार देखा? जरा मुझे काउंट करके बताइएगा, 1, 2, 3। भट्टी साहब मेरी आवाज आ रही है? इब्रार साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चार सफात पर मुश्तमल ये जो जजमेंट है, ये उसी वक्त 10-15 मिनट में नहीं लिखी गई, ये जजमेंट जज पहले लिखवाते हैं और एंड पे आखिरी दो लाइनें आखिरी पैरा जो होता है वो बाद में लिखवा के जजमेंट मुकम्मल कर दी जाती है और उस पे साइन कर दिए जाते हैं। ठीक है तो ये इसी तरह हुआ है। हाँ। और ये जो इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाहल कर दिया गया है। हाँ। और उन्होंने कहा है कि जी इसकी जमानत तो हो सकती है लेकिन जो सजा है ये फौरन खत्म नहीं होगी। अच्छा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ओके। तो अभी कोई क्यामत नहीं आ गई, सारी दुनिया जेलों में है, कोई गरीब आदमी छोटे छोटे काम करता है तो वो जेल में है। इमरान खान पे तो एक केस है, अदालत ने फैसला सुनाया है और अदालत बाइस नहीं होती, इन्होंने जज के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जनाब जज ने बहुत हम्बल का मजारा किया है और अब जब इमरान खान के वकला ने केस समझने में तखीर की है, केस असासे के हवाले से था लेकिन ये पीटीआई की टीम जो है वो टैक्स के बारे में तो तफसीलात जमा कराती रही। ओके, बात ये थी कि वो जो पैसे हासिल हुए वो इन्होंने फार्म में दर्ज करने थे कि ये पैसे वहां से आए, सोर्स बताने थे और उस पे दर्ज करने थे इलेक्शन कमीशन के फार्म में, वो नहीं करा सके जिसकी वजह से इसे 63(1)(h) के तहत 5 साल के लिए नहल कर दिया गया। आपका प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।